हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटनम हॉटस्पर के बीच में इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे बेस्ट फेंटेसी कॉम्बिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जो आपको आपकी टीम बनाने में हेल्प कर सकते हैं इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको ये कॉन्टेस्ट खेलना है तो ये कॉन्टेस्ट आप फेंटेसी अखाड़ा पर खेल सकते हैं जहाँ पर नॉन मेगा कॉन्टेस्ट के लिए कमीशन सबसे कम है विनिंग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज होते हैं इसलिए गो एंड चेकआउट दी फेंटेसी अखाड़ा ऐप नाउ जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे है ना पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है वहां पे टीम बनाई है आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं प्रीमियर लीग की स्टैंडिंग्स कि दोनों ही टीम्स कैसा कर रहे हैं तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा क्या इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं नाइन्थ पोजीशन पे हैं फ्रेंड्स इनकी एक प्रॉब्लम रही है कि इस साल ये लोग गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं गोल्स कंसीडेड में अगर आप देखेंगे तो अभी भी उतना बुरा हाल नहीं है जितना टॉटनम का है या जितना अदर टीम्स का है इनका डिफेंस स्टिल एक डिसेंट डिफेंस हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही वाटर टाइट डिफेंस नहीं कह सकते कॉज ट्वेंटी सेवन गोल्स कंसीडेड इन ट्वेंटी मैचेस इज नॉट वेरी गुड बट जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है गोल स्कोरिंग का आप देख सकते हैं केवल 22 गोल्स इन्होंने स्कोर किए हैं अब तक इस सीज़न तो एज कम्पेयर टॉटनम जो कि आंज पोस्टिकोगलू के अंदर बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल रही है उन्होंने 20 मैचेज में 42 टू गोल्स स्कोर किए विच इस ऑलमोस्ट डबल यानी कि एवरेज अगर हम निकालेंगे तो मोर देन टू गोल्स मैच वो लोग कर रहे हैं ट्वेंटी नाइन गोल्स कंसिडर ऑब्वियसली काफ़ी हाई लाइन खेलते हैं तो एंड ही गोज़ फॉर द मैच प्रैगमेटिजम थोड़ा सा कम है आज पोस्टिकोगलू में इस वजह से आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल एंड कॉन्टे जो कि बहुत डिफेंसिव माइंडेड फुटबॉल खिलाते थे, थे वहाँ से पोस्टिकोगलू तक देखना स्पर्स फैन के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है थर्टी नाइन पॉइंट्स अगर आज का मैच ये जीतते हैं तो इनके तीन पॉइंट्स और आएंगे और ये आर्सनल से ऊपर चले जाएंगे एटलीस्ट मोमेंटेरली जो आर्सनल पहले कुछ टाइम तक टॉप पे थी अब वो 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 फिफ्थ पर आ सकती है अगर टॉटनम ये मैच जीत जाती है ओल्ड ट्रैफर्ड पे ये मैच होगा बट फ्रेंड्स जैसा कि हम बता दें कि यूनाइटेड का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है एंड टॉटनम काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है ऑल उनके लिए ह्योंग इंसान बहुत बड़ा मिस होंगे बट स्टिल हमें लगता है कि वो इस मैच में थोड़ा सा एज आउट कर सकते हैं स्पेशली एट ओल्ड ट्रैफर्ड जहाँ पर यूनाइटेड का थोड़ा सा फॉर्म का भी ढकम गया है दिस विल बी अ वेरी नोरवी मैच बट वी विल बी बैकिंग अ टू वन सॉर्ट ऑफ टॉट विन हमने स्लाइटली बैक किया है टॉटनम को ऑल दो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि दो टॉप टीम्स का मैच है तो ये आइदर वेज जा सकता है एंड सम हाउ सम हाउ यूनाइटेड को हमने देखा है कि इस सीज़न कुछ क्रंच तो मैचेस में टर्न अप कर लेते हैं फिर चाहे वो लिवरपूल के अगेंस्ट अल्ट्रा नेगेटिव फुटबॉल या अल्ट्रा डिफेंसिव फुटबॉल खेलना हो या तो वो चेल्सी को हराना हो ऑल चेल्सी फ्रेंड्स आजकल किसी से भी हार जाती है बट स्टिल यूनाइटेड बड़े मैच में टर्न अप करती है एस्टन विला के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही अच्छा कम बैक किया था बट अगेन नॉटिंग फॉरेस्ट के अगेंस्ट क्लूलेस हो गए थे सो so, थोड़ा सा हाईज़ एंड लोज वाला सीजन इनका जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टार्ट करेंगे अपने डिफेंस सेक्शन से सबसे पहले गोलकीपर की अगर बात करें तो हमने आंद्रे ओनाना को लिया है फ्रेंड्स ये अभी एफकॉन के लिए नहीं गए ये वाला मैच खेल के जाएंगे इस सीजन काफ़ी हाई प्रोफाइल एरर की है सिंगल हैंडेडली मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन्होंने चैंपियंस लीग से बाहर करवाया बट प्रीमियर लीग में इनका फॉर्म डिसेंट चल रहा है अच्छे शॉर्ट्स स्टॉपर हैं थोड़े से मिस्टेक्स हैं बट धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा पासिंग से आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं सो तो उनाना जो कि आज ज्यादा शॉर्ट्स से फेस कर सकते हैं वो आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे अगर हम डिफेंस सेक्शन की तरफ चले फ्रेंड्स तो हमने फुल स्पोर्ट्स का डिफेंस लिया है ऑल द क्वेश्चन रोमेरो बाहर हैं उनको इंजरी हो गई बट अच्छी न्यूज ये है कि मिगी वैन वापस आ गया एंड एमरसन रोयाल जो एक बैक रोल में खेल रहे हैं उन्होंने इंप्रेस किया है अभी तक पोरो उडोगी और एमरसन रॉयल इसलिए हमने तीन प्लेयर लिए हैं मिकी वैंडन वन को फ्रेंड्स हमने ड्रॉप किया बिकॉज अभी अभी इंजरी से आ रहे हैं हमें श्योरिटी नहीं है कि वो कितने ज़्यादा मिनट्स खेलेंगे उनकी जगह सेकेंड हाफ में डेविस वगैरह सब्सिट्यूट होकर आ सकते हैं क्योंकि डायर जा चुके हैं बाइन में पोरो आपको ऑफेंसिव थ्रेड बहुत अच्छा देंगे अटैकिंग थ्रेड बहुत अच्छा देंगे असिस्ट पोटेंशियल इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ओकेशनल गोल स्कोरिंग फॉर्म भी अच्छा देते हैं और फ्रेंड्स इनके पे एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है सिंस लॉन्गविन सोन अब जा चुके हैं एशिया कप के लिए तो टोटेनम के लिए पेनल्टीज कौन लेगा ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि रिचार लिसन लेंगे बट आपको बता दे फ्रेंड्स कि पेड्रो पोरो जब स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन में थे तब वो पेनल्टीज लिया करते थे जी हाँ फ्रेंड्स तो ऐसा हो सकता है कि पेड्रो पोरो पेनल्टीजीजीजी पर हो सोन के एब्सेंस में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे उडोगी डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है जब उडीनेसी में थे तब भी उनका स्पेल बहुत ही अच्छा जा रहा था एंड ऑफेंसिवली भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वर्ट होकर इसलिए इंपॉर्टेंट है एंड एमरसन रॉयल अपनी पोजीशन स्विच करते रहेंगे लेफ्ट बैक में और सेंटर बैक में सो ही बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिडफील्ड की बात करें फ्रेंड्स तो हमने ब्रूनो फर्नान्डस और अल्हानद्रो गर्नाचो को लिया यूनाइटेड से हमें लगता है कि ये दोनों सबसे रिलायबल ऑप्शन है ब्रूनो फर्नान्डस वैसे भी फैंटेसी में बहुत ही अच्छे एसेट माने जाते हैं गोल्स असिस्ट चांस क्रिएशन नंबर टैकल इंटरसेप्शन वर्क रेट असिस्ट पोटेंशियल हर तरीके से आपको पॉइंट्स देते हैं आराम पॉइंट्स का स्कोर दे सकते हैं और जब भी यूनाइटेड खराब करे तब भी तो वही गर्ना थोड़े से मोर ऑफेंसिव है ही इज मोर डायरेक्ट गोल थ्रेट रैंडमली अच्छे मैचेस में गोल स्कोर कर देते हैं असिस्ट पोटेंशियल का डिसेंट है कभी कभी काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं जब ये चांसेस नहीं क्रिएट कर पाते बट ही इज दैट मेन वेपन जो कि यूनाइटेड को अनलॉक कर सकता है वो एक एक्स फैक्टर लाते हैं यूनाइटेड की टीम में इसलिए हमने उनको लिया है टॉटनम्स से फ्रेंड्स हमने कुलुसेप्स और ब्रेनन जॉनसन को लिया है सोन कैप्सेंस में इनका रोल काफी बढ़ जाएगा कुलूसेप्स की मेन क्रिएटिव फलक्रम की तरह काम करेंगे इनका और रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है सो ही बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन ब्रेन जॉनसन की जगह आप थोड़े से टिंकर कर सकते हैं आप बिंटनकुर को भी ले सकते हैं जो कि वापस आए इंजरी से कैप्टन होंगे इस मैच में स्पर्स के लिए सो ही बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन बट ब्रेन जॉनसन डेफिनेटली फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है जिन्होंने रिसीट चार पाँच मैच में तीन से चार असिस्ट दिए हैं सो ही बिकम्स अ वेरी क्रुशल ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम्स फॉरवर्ड सेक्शन पर जाने से पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि व्यू स्पोर्ट पर एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जहां पर आपको पूरे साल की व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम्स मिलेगी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन ओनली सो गो एंड चेक आउट द व्यू स्पोर्ट ऐप नाउ इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको इस मैच का और बाकी सभी मैचेस का इनसाइट्स या कुछ अंदर के इंपॉर्टेंट टिप्स और पिक्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं व्यू स्पोर्ट का जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है

सोन की क्रिएटिविटी की वजह से अच्छा था हालांकि फ्रेंड्स के चार पांच मैचेस में रिचार लिसन का बेस्ट नॉन पेनल्टी एक्स एक्सपेक्टेड एक गोल्स का डेटा है सो ही बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इनके साथ फ्रेंड्स कुछ मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कि टीमों वर्नर डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बट हमें थोड़ा सा डाउट है कि उन्हें आते ही डेब्यू मिल जाएगा स्पर्ट्स के आपको बता दें कि वो अभी अभी साइन किए हैं आर्मी लाइव से हमें लगता है फ्रेंड्स कि इस मैच की स्टार्टिंग करेंगे अलेहो वेलीज रोजारियो सेंट्रल से जो एक अर्जेंटाइन किड साउथ अमेरिकन साइन किया है टॉटन वॉट्सपर ने एंड उसके बाद में फोर्टी फाइव या सिक्सटी मिनट्स के बाद टीमों वर्नर का इंट्रोडक्शन हो सकता है इस मैच में सो so ये परमुटेशन हो सकता है दैट्स वे हमने इनके दूसरे अटैकर को ड्रॉप किया है थोड़ा पंट लेना है तो आप जरूर उन्हें ले सकते हैं राशवर्ड ने रीसेंट में दो मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए नोटिंगहम के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था एस्टनविला के अगेंस्ट का बैक में स्कोर किया था इस वजह से हमने उनको लिया है अगर आपको एक डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर चाहिए तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं इनको ड्रॉप करने के बाद आप समन लाइक को भी मैनू या एरिक्सन को ले सकते हैं एड्रेसमस ऑयलेंड जो लास्ट मैच में इल थे वो इस मैच में वापसी करेंगे और इन्होंने विला के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दी थी दैट्स वाई वी आर बैकिंग ऑन देम टू स्कोर अगेन अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने कैप्टनशिप पिक्स देख लेते हैं तो हमने दो कैप्टनशिप पिक दिए हैं पेड्रोपोरो और रिचारलिसन दोनों का रीज़न हमने बताया पेड्रोपोरो काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग है काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग फुल बैक की तरह खेलेंगे पेनल्टीज पर भी हो सकते हैं नॉट वेरी श्योर बट अटैकिंग वाइज ऑफेंसिव वाइज आपको बहुत अच्छा पॉइंट देंगे और क्लीन शीट पोटेंशियल भी है सेम गोल्स फोर रिचार्लिसन अगर ये स्कोर करने पर आ गए तो आराम से दो तीन गोल स्कोर कर देंगे बट ही कैन गेट सब्सिटीड इनकी जगह भी वर्नर या आए हो वेलीस जैसे प्लेयर आ सकते हैं इसलिए हमने उनको सेकेंड चॉइस रखा है वाइस कैप्टनशिप पिक की बात करें फ्रेंड्स तो हमने ब्रूनो फर्नांडिस और

एक लेफ्ट विंग पोजीशन में स्टार्ट करेंगे या हो सकता है कि रिचार लिस लेफ्ट पे चले जाएं वेलीज ये मैच स्टार्ट करें एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रैंड लीग के पिक बन सकते हैं इन्होंने रोजारियो के लिए काफी ज्यादा गोल स्कोर किए थे तो फ्रेंड्स ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर दी प्रीमियर लीग मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टॉट नमोट्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा हम आपसे मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच